अगर हम कहीं और जाते हैं तो उधर अगर लोग हमसे इंग्लिश में बात करते हैं तो हम उनको क्या जवाब देंगे? इसलिए हमें इंग्लिश जानना चाहिए और हिंदी भी जानना चाहिए, क्योंकि लोग किसी भी तरह के सवाल इंग्लिश में या हिंदी में कोई सी भी लैंग्वेज में कर सकते हैं। स्टोरीज़ पढ़ते हैं, लाइब्रेरी बुक्स पढ़ते हैं, तो फिर वो सब भी इंग्लिश में होती हैं। तो अगर हमें इंग्लिश आती है तो हम बुक्स पढ़ सकते हैं, स्टोरी समझ सकते हैं, और जो क्वेश्चन हमें पूछते हैं स्टोरी बुक्स में, उन क्वेश्चन के भी हम आंसर दे सकते हैं। जो जब निराली दीदी आई थी तो फर्स्ट टाइम पहली बार उनने हमें साइट वर्ड्स की, पूरे बच्चों को एक एक साइट वर्ड्स की लिस्ट दी थी। तो फिर उसमें इंग्लिश में भी मीनिंग्स थे और हिंदी में भी मीनिंग्स थे, तो उस तरीके से हमने उसको पढ़ा समझा, तब हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होती गई और अभी भी इम्प्रूव हो रही है। जैसे एंड हो गया, तो फिर जो दीदी हमें लिस्ट देती हैं तो उसमें कुछ सेंटेंसेस लिखते हैं जिसमें एंड यूज़ होते हैं, तो फिर दीदी हमें कुछ सेंटेंसेस बताती हैं कि कैसे करते हैं सब सेंटेंसेस, कैसे रीड करते हैं, कैसे अंडरस्टैंड करते हैं, कैसे उनको क्वेश्चन भी चेंज करते हैं, वो सब दीदी हमें बताती हैं। और फिर कुछ दिनों बाद दीदी हमसे एक टेस्ट लेते हैं जिसमें साइट वर्ड्स होते हैं और कैसे उसको चेंज करना है क्वेश्चन में और वो सब।